आप एक बार और नाम ले दो मेरा प्लीज। शिवम। अच्छा सुनो। थैंक यू मैम। हरण महादेव, कैसे हैं आप? तो वैसे तो मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि भाई अपने इमोशंस जो हैं वो एक्सप्रेस करो, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस करो। और तुमको मैं कहना चाहूँगी, तुम तो इमोशंस के गोतों में बहे ही जा रहे हो। सॉरी मैम। तुम तो रोज़ या तो तुम्हारा कोई ब्रेकडाउन होता है, या तो मेल्टडाउन होता है, या तो तुम किसी के नफरत में जल रहे होते हो, या तो किसी के प्यार में जल रहे होते हो। मैम एक्चुअली क्या, मैं थोड़ा ठीक है, मेरे को लाइक आई सेड आई एम नॉट हियर टू टेल यू कि क्या करना है क्या नहीं। आई लाइक इट, आई लाइक टू, आई एंजॉय वॉचिंग यू, लेट मी टेल यू दैट। थैंक यू मैम। बट मुझे एक बात बताओ जी, तुम जो ये लड़की के पीछे पड़े हो, ये सच का ही प्यार है? ऐसे हो जाता है क्या दो दिनों में प्यार? मैम ऐसा नहीं है, मैं इनको बहुत सालों से जानता हूँ। फर्स्ट टाइम आई मेट 2016 में मिला था मैं इनसे, और लाइक दो तीन बार हमारी पार्टीज में मुलाकात हो चुकी है। तो पहले ये मुझे याद था ना, अब सेलिब्रिटी बनने थे मैं तो ऐसे लाइक आई रिमेंबर। तो मुझे पसंद तो पहले भी थी, बट क्या है कि जिंदगी चलती रहती है तो बस होता चला गया। और आज मुझे यहाँ दिखी तो मुझे सब सारे फ्लैशबैक आ गए। तो आपके बाहर कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नो मैम, नॉट एट ऑल। सारा आप मिली हैं क्या इनको 2016 में? मुझे याद नहीं है कंगना, आई मस्ट हैव मेट हिम। और बहुत सारे लोगों से ऐसे मिलते हैं पार्टीज में, बट मुझे इतना प्रोमिनेंटली ध्यान नहीं है कि मैं इनको मिली थी। बट कल तो आपने बोला था। क्या बोला था? नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो, रहने दो, कुछ नहीं। लेकिन सारा शायरियाँ अच्छी लगी शिवम की, शिवम सुना दो। मैम आपने उस दिन मुझे मौका नहीं दिया, तो मैं आपके लिए ये बोलना क्या सुनाना कुछ कहना चाह रहा था, इजाज़त हो तो। हाँ सुनाओ, तुमको कौन रोकेगा। कि कहते हैं कि एक अदा आपके दिल को चुराने की, एक अदा आपके दिल में उतर जाने की, चेहरा आपका चांद और एक अदा हमारी चांद को पाने की। अरे वाह क्या बात है।